नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आप भी अमीर होना चाहते हो तो दोस्तों आप धनतेरस पर यह खास 3 उपाय कर लीजिए, दोस्तों आप भी अमीर हो जाओगे। दोस्तों कहा जाता है कि जो व्यक्ति धनतेरस वाले दिन यह 3 खास उपाय कर लेता है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती। कहा जाता है जो व्यक्ति यह उपाय अपनाता है खास धनतेरस वाले दिन तो उस घर में कभी भी पैसों की तंगी नहीं आती और वह घर पूरी तरह से अमीर हो जाता है। दोस्तों अगर आप भी अमीर होना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि आपके घर में भी धन आए, तो दोस्तों आप धनतेरस वाले दिन यह 3 खास उपाय कर लीजिए, आपके घर में चुंबक की तरह पैसा खींचा चलाएगा। दोस्तों कहा जाता है कि जो यह खास उपाय धनतेरस वाले दिन कर लेता है उससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं और उनके प्रसन्न होने के बाद में उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती। तो दोस्तों वह 3 खास उपाय कौन से हैं उसे जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। साथ ही दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि दोस्तों आपको रोजाना ऐसी ज्ञान से भरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। नंबर है। दोस्तों कहा जाता है कि जो व्यक्ति घर में बंधे पशुओं को अगर खासकर अगर एक गाय को एक रोटी दान कर देता है, खासकर कहा जाता है जो व्यक्ति अगर धनतेरस वाले दिन गौ माता को रोटी के साथ गुड़ खिलाता है उस घर में कभी भी पैसों की तंगी नहीं आती। कहा जाता है जो व्यक्ति यह उपाय कर लेता है उससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। कहा जाता है माता लक्ष्मी जी स्वयं गौ माता की एक प्रतीक होती हैं। दोस्तों अगर आप भी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि आपके घर में भी धन आए, तो आप धनतेरस वाले दिन गाय को गुड़ के साथ रोटी खिला दीजिए, आपसे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएगी। नंबर 2। नंबर 2 पर कहा जाता है कि आप धनतेरस वाले दिन खासकर हल्दी खरीद लाइए। कहा जाता है जो व्यक्ति अगर हल्दी खरीद लाता है और उसे एक गरीब व्यक्ति को दान कर देता है तो उससे माता लक्ष्मी जी काफी प्रसन्न होती है। कहा जाता है जो व्यक्ति अगर धनतेरस वाले दिन हल्दी खरीद कर किसी गरीब व्यक्ति को दान कर देता है या किसी ऐसी जगह पर रख देता है जहां पर उसकी पूजा होती हो तो दोस्तों उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती। कहा जाता है जो व्यक्ति अगर यह उपाय कर लेता है उसके सभी बिगड़े हुए काम भी बनना शुरू हो जाते हैं। नंबर 3। दोस्तों नंबर 3 पर कहा जाता है जो व्यक्ति अगर गंगा नदी में धनतेरस वाले दिन दिया जला दे तो कहा जाता है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती। दोस्तों ऐसे में आप किसी भी नदी में धनतेरस वाले दिन दिया जला सकते हैं। दोस्तों इससे गंगा माता आपसे प्रसन्न होती हैं। दोस्तों कहा जाता है जो व्यक्ति अगर यह 3 खास उपाय घर में कर लेता है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती। तो दोस्तों यह तो थे वह 3 खास उपाय जो अगर धनतेरस वाले दिन एक व्यक्ति कर लेता है तो उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि दोस्तों आपको रोजाना ऐसी ज्ञान से भरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।